नमस्कार, मैं अमर आपके साथ और आप देख रहे हैं आमार आशा न्यूज। आज की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। एक, नवनिर्मित गुवाहाटी के खानापारा स्थित कृषि विभाग के सरकारी अतिथिशाला का आलीशान होटल में बदलने पर देवव्रत सैकिया की प्रतिक्रिया। गुवाहाटी के खानापारा स्थित कृषि विभाग के सरकारी अतिथिशाला को एक आलीशान होटल में बदलने की घटना पर देवव्रत सैकिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस परिवर्तन को जनसेवा के खिलाफ और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग का उदाहरण बताया। दो, बिहू के बाद अब राज्य सरकार का झूमर को विश्व पटल पर ले जाने का प्रयास। गुवाहाटी, राज्य सरकार ने ऐतिहासिक झूमर नृत्य को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। आगामी 20 नवंबर को 8000 कलाकार झूमर नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। इस 200 साल पुरानी परंपरा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तीन, निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड लागू न होने पर चारों ओर प्रतिक्रियाएं। गुवाहाटी, निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड लागू न होने से चारों ओर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान कार्ड के तहत कौन कौन सी चिकित्सा सेवाएं सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध होंगी। चार, युद्ध विराम नहीं, युद्ध की संभावना बढ़ी, ईरान में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या। तेहरान, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के बाद युद्ध विराम की संभावना नहीं दिख रही, बल्कि युद्ध की संभावना बढ़ गई है। इजराइल पर संदेह करते हुए ईरान ने प्रतिशोध की तैयारी कर ली है। खमेनी ने इजराइल पर हमला करने का आदेश दिया है। पाँच, इस्माइल हानिया के बाद हमास की कमान किसके हाथ में। तेहरान, हमास के शीर्ष पद पर इस्माइल हानिया के बाद किसे नेतृत्व सौंपा जाएगा, इस पर चर्चा जोरों पर है। खालिद मशाल का नाम सामने आ रहा है, जो इजरायली जासूसों द्वारा जहर दिए जाने के बाद भी जीवित रहे। छह, काजीरंगा में प्रस्तावित पंचतार का होटल निर्माण पर संकट। काजीरंगा में प्रस्तावित पंचतार का होटल निर्माण के कारण विश्व धरोहर स्थल की मान्यता पर संकट मंडरा रहा है। इस खबर के बाद एटीएसए के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सात, नए तरीके से आयोजित होगी इस वर्ष की मैट्रिक परीक्षा। गुवाहाटी, इस शैक्षणिक वर्ष की मैट्रिक परीक्षा एक नए तरीके से आयोजित होगी। प्रश्न पत्र की तैयारी की प्रक्रिया में बदलाव होगा और भविष्य में मैट्रिक में डिवीजनों की व्यवस्था नहीं रहेगी। लेकिन यह निर्णय क्यों लिया गया है। आठ, गुवाहाटी विश्वविद्यालय में अभूतपूर्व घटना। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में एक अभूतपूर्व घटना सामने आई है, जहां पिछले कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए कुलपति की नियुक्ति कर दी गई है। वर्तमान कुलपति प्रताप ज्योति संडिकई जल्द ही अपने पद से विदाई लेने के लिए तैयार हैं। 9, 15 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। गुवाहाटी, मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की नेतृत्व वाली सरकार में 15 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना प्रबल है। इस बदलाव में किसे अधिक महत्व मिलेगा और किसे हटाया जाएगा, इस पर सबकी नजरें हैं। 10, तिनसुकिया के सेंट पॉल स्कूल का हॉस्टल सील। तिनसुकिया मार्गरेटा प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तिनसुकिया के सेंट पॉल स्कूल के हॉस्टल को सील कर दिया है। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।